आइए देखते हैं बैठचन मजा आएगा। ये अच्छा जैद भाई ये बताओ कि ये एडम को जो झटका आता है ये आपको लग रहा है कि इसको कुछ झटके आ रहे हैं, ठीक है? दौरा। अच्छा कम से कम इसके कान में घंटियां तो नहीं बज रही है ना? अरे भाई घंटियां नहीं, ये जब नमक मिर्ची नहीं लगा पाता ना। मेरा सवाल सुना आपने? हाँ मैं सुन लिया। मेरा सवाल सुना आपने? इसके कान में कम से कम घंटियां तो नहीं बज रही है ना? ये कौन सी बात कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। घंटियां बजे लेकिन मैं बताता हूँ, मैं पहले ये तो बोलो कि कम से कम इसके कान में घंटियां तो नहीं बज रही है ना? उसको पता होगा ना, एडम को पता है। रसूलुल्लाह। अच्छा एडम तुम्हारे कान में घंटियां बज रही है अभी? नो मोहम्मद साहब के कान में बजती है सिर्फ, सिर्फ मोहम्मद साहब के कान। हाँ जरा वो पेश कर दो। लो सर, रसूलुल्लाह के कान में घंटियां क्यों बजती थी भाई? टन 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 देखो बजा के बता ले, थोड़ी ना बोला था यार। How does the revelation come to you? He said, like the ringing of a bell, and when it departs, I remember what he, the angel, said, and this is the hardest on me. Tan, 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 tara. Chalti hai kya nausay bara? Dora, tara, jo dil ka to fauran o mar gaya. Bhai, mar jaoge, dora kabhi aisa padega, yaar, aaram se. Zed bhai. जैद भाई ये रसूलुल्लाह के कान में घंटियां क्यों बजती थी भाई? मैं ये साहिब स्ट्रीम में आपके मैं जो है लाख बार बोल चुका हूँ कि ये गोरो की लैंग्वेज से मुझे पल्ले नहीं पड़ती, मैं सीखा ही नहीं। उर्दू बुखारी खोलते हैं फिर उसमें उर्दू आ जाएगी। एक सेकंड, उर्दू आ गई, बुखारी वाली खोल लेते हैं। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी आदर के सवाल किया, या रसूलुल्लाह पर वही कैसे नाजल होती है? आप समझो वही नाजल होते है, मुझे कुछ घंटी किसी आवाज आती है, टन 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 टन। और आगे क्या लिखा है? वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत गुजरती है। और देखो इसके बाद भी देखो, जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल व दिमाग पर इस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशकल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। भाई बताओ ये किस चीज की निशानी है? सब घंटियां बजना, एपिलेप्सी की, साहिल भाई ये सुन लो, तुम यार तुम्हारे तुम भी एडम के साथ रहे कि उल्टी बात कर रहे हो। मैं उसको दौरा बोल दिया तो आप कहाँ की हदीस उठा के मुझको कहाँ पे लाके दिखा रहे हो? अरे तो भाई कम से कम इसके कान में घंटी तो नहीं बजती है, रसूलुल्लाह को ऐसा घंटी क्यों बजती थी उनके कान में? अभी बजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा मैं एपिलेप्सी भी जाहिर कर देता हूँ। ये देखे जी, ये बुक है लाइफ ऑफ प्रॉफिट सीरतुन्नबी। एपिलेप्सी की एक और निशानी होती है, घंटियों के अलावा उसके मुंह से आवाजें निकलती हैं, जैसे कि एक किसकी आवाज निकलती है, जैसे कि जैसे कि इब्ने कसीर है, ठीक है, जैसे कि कोई एक बकरा सॉरी काउ किसे कहते हैं, गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा जो है ना उसकी तरह मोहम्मद साहब मोर्न करना शुरू कर देते थे, मोर्न लाइक अ काल्फ। किधर गया, यहीं पे है ये देखें जी। उमर सेड टू मी, वुड यू लाइक टू लुक एट मैसेंजर ऑफ अल्लाह व्हाइल रेवलेशन इज कमिंग टू हिम? ही सेड द एज ऑफ हिज रोब फ्रॉम हिज फेस व्हाइल ही वाज रिसीविंग रेवलेशन एंड ही वाज ऑल फ्लश्ड एंड ही वुड मोर्न लाइक अ न्यूबॉर्न काल्फ। एपिलेप्सी किसको हो रही है, मेरे को या मोहम्मद को? ये क्या है ये क्या अरसाइल ये क्या है? मैं काफ की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बछड़ा कैसा आवाज निकालता है जैद भाई? बछड़ा कैसा आवाज निकालता है? ये आप जो है आप साबित कर दो कि इसको साइको डॉक्टर के दिखाने की जरूरत नहीं, आप मेरे को साबित कर दो। किसको? एडम को। अरे एडम को बाद में अपन, वो तो जिंदा है दिखा भी सकता है, लेकिन यार रसूलुल्लाह के साथ ये क्या मामला है? घंटी बज रही है, बछड़ी की तरह आवाजें निकाल रहे हैं।
अच्छा आपको ये चीज जो है मतलब जब वो चांद को दो टुकड़े कर सकते हैं तो उनके पास जब आती थी वही, तो वही कैसे आती थी? एक फरिश्ता आते थे अच्छा जिब्रील, तो आते थे हाँ, तो तो उनको घंटिया पहले बजती थी ना। घंटिया, उनकी आने की आवाज उनको सुनाई देती होगी। अब वो किस शक्ल में होगी वो हाय घंटियों हाय को? हाय हाय अरे हाय। वो घंटी लेके आते थे क्या वो लोग? क्या क्या पैर में पायल वियल पहन के आते थे? क्या बात कर रहे हैं यार साहिब भाई, क्या अरे बात जाहिर कर। सी बात है, एक इंसान को अगर घंटी की आवाज आ रही है तो सामने वाला पायल पहनता होगा। घंटी की आवाज आ गई तो पायल मोहम्मद साहब, पहनता। मोहम्मद साहब ऐसी आवाजें निकालते थे जब उन पर रेवलेशन आती थी। ये देखें, मैं दोबारा आवाज सुनाता हूँ आपको, जरा गौर से सुनिएगा। ये ऐसी आवाज मोहम्मद साहब निकालते थे, आपको पता? ये भी अच्छा आवाज आपने ये सुनी एक, है? हाँ इसको क्या हुआ? एक ऐसी ऐसी आवाज, पता नहीं क्या हुआ, मेरे इंटरनेट खराब हो गया, पता नहीं एकदम से। मेरी आवाज आ रही साहिल? आ रही हाँ, है यार तुम्हारी आवाज आ आज रही है, तो तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, यार ये क्या बदतमीजी खून है भड़क यार। गया हो। ये तो, हाँ ये कमल देखो, ऐसी आवाज। ये देखो, मैं दिखाऊं। सही बुखारी की एक और हदीस है, उमर बताता है, लुक एट प्रॉफिट, अल्लाह इज इंस्पायरिंग हिम, आई रिप्लाइड इनफॉर्मेटिव। उमर लिफ्टेड वन कॉर्नर ऑफ द क्लॉथ एंड लुक्ड एट प्रॉफिट हु वाज स्नोरिंग। द सब नरेटर सेड द स्नोरिंग वाज लाइक दैट ऑफ अ कैमल, ऊंट की तरह आवाजें कस रहे थे। अब साहिल एपिलेप्सी किसको है? मुझे भाई माइक एपिलेप्सी किसको है? मत बंद मुझे या मोहम्मद साहब को? एपिलेप्सी किसको है भाई? करो। हेलो साहिल भाई, माइक अपना खोल के रखो भाई, सबको पता चले। माइक साहिल खुला साहब तो है हंसते भाई। हुए वो माइक बंद करते हैं ना यार, वो कहते हैं भाई यार जरा हंसा ज्यादा ना निकला है। हाथी की तरह आवाजें भी निकाल रहा है वो, बछड़े की तरह अच्छा आवाजें भी निकाल रहा ये एक काम करते हैं, जितने मोमिन है बाकी लोग ना जुड़े, क्योंकि अभी हम इसके बाद हेलो। स्ट्रीम क्लोज कर देंगे, 5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। हम दो दो कमेंट लेंगे और उसके बाद एक काम करूंगा मैं, नेक्स्ट स्ट्रीम जो है इसी पे रखूंगा कि भाई ये घंटियां क्यों बजती थी और रसूलुल्लाह जो है वो इस तरीके की आवाज़ क्यों निकालते थे। इस पे हम थोड़ा जानेंगे रसूलुल्लाह का जो मेंटल स्टेट था वो क्या था।